کہ رسول نے حدیث میں کہا کہ
पुरोहित उठा के देखिए, कुछ अफराद ये हैं कह रहे हैं कि अल्लाह ने अंबिया कराम मासूमीन को नूर से बनाया, एक तबका कह रहा है कि अल्लाह ने नूर से नहीं बनाया, एक तबका कह रहा है कि अल्लाह ने नूर से नहीं बनाया है। अल्लाह जब उसकी बात सही है या नहीं है मुझे से बहस नहीं है। इस तलाही लफ्जों में नूर के माने फिर क्या है, इस तलाही लफ्जों में नूर के माने क्या है, इस तलाही लफ्जों में नूर के माने है हसीन के, इस तलाही लफ्जों में नूर के माने है हसीन के। अब ये जो नूर है वो हसीन है, अब ये जो नूर है वो है हसीन। इस तलाही लफ्जों में नूर के माने हसीन के हैं। अब जब इंसान हसीन की तारीफ करेगा, जैसे मिसाल में देखो मजनू की निगाह में काली लैला हसीन थी या नहीं, मजनू की निगाह में काली लैला हसीन थी या नहीं, आपकी निगाह में काली जरूर नहीं होगी, मजनू की निगाह में काली नहीं थी, हसीन है ये। शायरों से पूछा जाए आपकी निगाह में हसीन क्या है, क्या हम हुस्न की तारीफ करने बैठे हैं तो दीवाने हुस्न लिख जाते हैं, पूरा दीवान हमने लिख दिया हुस्न के ऊपर। ईरान से पूछा जाए तुम्हारे यहां हुस्न के तारीफ क्या है, वो मुख्तलिफ अंदाज में लोग करेंगे। अब ये लफ्ज हसीन जो है चलते चलते हमारे दरबार तक पहुंचा। अब नौबत उठाइए, लोगों ने सहारा दिया हसीन के माने ब्याह के, हसीन के माने हैं ब्याह। अब कायनात में नहीं कोई अवतार नहीं है, सबके सब ब्याह नहीं है, सबके सब अवतार है, वो हसीन के माने हैं ब्याह। कम से कम हम गुनहगार इंसान को अवतार हैं, नबी के बारे में क्या ख्याल है, नबी के बारे में क्या ख्याल है, नबी है ब्याह। लेकिन एक ऐब है नबी के मखलूक, नबी है मखलूक, एक ये बड़ा ऐब है नबी है मखलूक। अब फिर ऐब की तलाशी कहां की जाए कि हमें ब्याह मिले। अल्लाह नूर समावा, अल्लाह ही एक जात है जिसमें कोई आयब नहीं है। अब जो लेकिन बादशाह थके हुए मैं आपको कितने दूर में पूछ करता हूं, सलवात मोहम्मद अल्लाह ताला की बात जात जो आयब है उसमें कोई आयब नहीं है। रसूल ने कहिए कि मखलूक है इसलिए आयब है, लेकिन परवरदिगार आलम की जात जो है वो भी आयब है। अब जब ब्यायब है तो वो है हसीन, जब ब्यायब है तो वो है हसीन। अब हसीन का मिजाज समझे, जो हसीन होता है वो चाहता है कि मेरा कोई चाहने वाला भी हो, जो हसीन होता है उसका इरादा ये होता है। बोले सर ब्याह के माने हसीन के। अब अल्लाह हुआ हसीन, अल्लाह बना हसीन, हसीन का मिजाज क्या है कि उसका चाहने वाला हो। जब अल्लाह हसीन हो गया उसकी फितरत बता रही है उसका चाहने वाला होना चाहिए,
लिहाजा कुदरत ने फैजा में आवाज दी, मेरे हुस्न के मुताबिक कौन कुछ करने वाला है, मेरे हुस्न के मुताबिक कौन मुझसे इश्क करेगा, एक आवाज आई परवरदिगार मैं इश्क करूंगा। असीम के अंदर जो चाहने वाला हो दुनिया में शराय करते रहते हैं आप, इस जमाना जो गुजर रहा है इस जमाने में बहुत बात है, इसको भी माते भी रहते हैं। अल्लाह है हसीन, उसका कोई आशिक होना चाहिए वरना हौसला मर जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, जान देने में तुल जाएगा जब तक उसकी कदरदानी न की जाए। अल्लाह है हसीन, आवाज ये कौन है जो मुझसे इश्क करेगा, कौन है जो मुझसे इश्क करे, मोहब्बत नहीं कहा है, इश्क का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कौन है जो मुझसे इश्क करेगा, गैर से आवाज है मैं तुमसे इश्क करूंगा, मैं तुमसे इश्क करूंगा। मुझे तुम हो कमरा नाम आदम है तो कौन कमरा नाम आदम है, अच्छा तुम मेरे आशिक बनोगे, रब परवरदिगार तू हसीन है इसलिए मैं तेरा आशिक बनूंगा। अल्लाह ने ठीक है तू आशिक मैं मासूम बना, तू आशिक मैं मासूम बना, मासूम के कुछ शरायत हुआ करते हैं, मासूम के कुछ शरायत हुआ करते हैं, आशिक का सोच के मुझसे गुफ्तगू करना, मैं तमाम हसीन हूं, अब तुम मेरे इश्क में डूबना चाहते हो तो मुझसे सोच के कलाम करना, तू बना आशिक मैं बना तेरा मासूम, मासूम पे शर्त लगा दी, तवज्जो मासूम ने शर्त लगा दी, जीव कोने जाना उस कोने पे बैठ जाना, तीन कोने पे जाना उस कोने पे न जाना, इस और माशोक में यह सिलसिला कभी तक चलता रहा, आशिक माशोक के मजाक के खिलाफ काम नहीं कर सकता है, और माशोक में क्या चल रहा है, मेरे मिजाज के खिलाफ भी काम करना मत, वरना मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। मासूम ने शर्त लगाई है, मासूम कौन अल्लाह है, आशिक कौन आदम है, शर्त क्या लगाई है, इधर 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 जाना उधर न जाना, वहां वहां जाना वहां न जाना, जमाना गुजरता रहा, एक दिन मां आशिक वहां चला गया जहां मासूम ने मना किया था, आशिक वहां चला गया जहां मासूम ने मना किया था, खबरदार उधर न जाना, जैसे उसने उस वादे में कदम रखा मासूम ने वादे बस इतनी सी मुझसे इश्क थी, मैंने मना किया था ना कि यहां वहां जाना वहां न जाना, तुम्हारा तुम्हारी समझ में बात नहीं आई, मैं तुमसे नाराज हो गया, अब ऐसा करो कि तुम इस अश को छोड़कर अफीले पर में चले जाओ। सलमान कश्ती बनाओगे जरूर,
सब उसमें सवार हो जाए, किसी नाहन को अपना बेटा मत कह देना। गश्ती बनेगी इसमें सब सवार होंगे, किसी नाहन को अपना बेटा मत कह देना। तो फिर क्या याद करेगा कि मुझे आश्चर्य कैसा मिल रहा था, ये इसकी मंजिल तय हो रही है। कल हमने आज देख लिया तो मनुष्य में किस तरह कश्ती बनाई गई है, उसका हरकत कैसे आई थी, उसे मैंने नहीं जान लिया। कश्ती आमादा हो गई, तूफान नूह आ गया, मखदूम आकर खुदा को उसमें रखा गया। हुआ क्या, अल्लाह आशिक मिला को समझ रहा था। एक वक्त ऐसा ही आया कि आशिक ने कहा किनान इसमें सवार हो गया, किनान इसमें सवार हो गया। किनान ने कहा हमें पहाड़ बचा लेगा, ये पहाड़ पे बचाने और भागने वाली बात कोई नई नहीं है। सलवात है मोहम्मद वाले सवार हो जाओ, फला पा जाओगे, बच जाओगे। इनकार कर गया लड़का, बस हमने एक बात तुमसे कही थी तो मैं इनकार कर गए, एक बात तुम रुक नहीं पा जाता तुम जाओ। फिर आवाज दी कुदरत ने, कौन है जो मुझसे इश्क करेगा, हम इश्क ही की बजाय पे फर्क नहीं कर रहे होंगे। रात 11:30 बज रहा है, 11:30 हो रही, हमें क्या जरूरत है यहां बैठने की, ये इश्क नाम है। अगर इश्क ना होता तो बात ही नहीं है। हम अपने इश्क को साबित कर रहे हैं, जुमा हो गया कि हम आपसे कितना इश्क करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत इश्क ना होती तो बात नहीं है। फिर आवाज आई, कौन है जो मुझसे इश्क करेगा, कौन है जो मुझसे इश्क करेगा। नूह को मना किया था, आप माने नहीं कि किसी ने आदमी को अपना बेटा मत कहिएगा, किसी ने लायक अपना बेटा मत कह दिया, लेकिन आप माने नहीं। मेरा सब चालू है, मामला खत्म हो गया, हम आपसे इश्क नहीं करते, मैं अपना मासूम नहीं, अल्लाह ने साफ से बात कही, मामला खत्म हो गया। अल्लाह फिर आवाज दिया, कौन है मुझसे इश्क करेगा, कौन है मुझसे इश्क करेगा। एक आशिक बड़ा जोरदार था, बड़ा जोरदार आशिक था, आगे पढ़ गया मैं सुन इश्क कर दूंगा। अच्छा आपका नाम, मेरा नाम मूसा है, मेरा नाम मूसा है। अच्छा आप मुझसे इश्क कीजिएगा, आप मुझसे इश्क कीजिएगा। कहां पर बंदी का जा रहा हूं, मैं तेरा आशिक बनूंगा, तू मेरा मासूम बनेगा। अच्छा शर्त लग गई, देखते हैं हुआ क्या। आशिक ने एक मौके पर आकर अपनी नाकामी का सबूत दे दिया, एक मौके पर आके नाकामी का सबूत पेश कर दिया। अल्लाह के पास मैंने आपको इश्क दे दिया, फिर आवाज दिया कौन है मुझसे इश्क करेगा। फिर एक नबी खड़ा हुआ, बार बार दिखा मैं तुमसे इश्क करूंगा, आपका नाम, मेरा नाम इब्राहिम है। अच्छा आपका नाम इब्राहिम है, आप मुझसे इश्क करिएगा, आमिर मैं आपसे इश्क करूंगा। इब्राहिम बने आशिक, कह रहे तू बता है मेरे इश्क में इम्तिहान भी देना होगा, मेरे इश्क में इम्तिहान भी देना होगा, और मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। जैसा पेपर भेजना भेजने मैं हल कर दूंगा उसे। अच्छा आशिक बनोगे, बिल्कुल बनूंगा, मैं तो आशिक बना। इब्राहिम तू है, मेरे इश्क में इम्तिहान देने होंगे। अच्छा बता कौन से इम्तहान चाहिए तुझे, मैं कौन सा इम्तहान दे दू। का बेटे के गले में छुरी रख दो, बेटे के गले में छुरी रखो मेरे इश्क में। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जब तुमसे इश्क करता हूं तो तेरी मोहब्बत में बेटे के गले में छुरी रख दूंगा। इश्क इस मंजिल पर पहुंच गया, आज शीघ्र माशूर के दरमियान खुशबू चल रही है। कुरान उठा के पढ़िएगा, आशिक और माशूक के दरमियान गुफ्तगु हो रही है। तो बड़ा जोरदार आशिक निकला, बड़ा जोरदार आशिक निकला भाई।
हमने कह दिया तुम्हारे बेटे के लिए छुरी रख दिया, जल्द हमने तुम्हारे इसको कबूल कर दिया, अब तुम मेरे आशिक नहीं, अब तुम मेरे खलील हो गए। इश्क की मंजिल तमाम, अब तुम मेरे दोस्त का खलील हो गए। इसलिए कि हमने जो इम्तहान में कामयाबी देखी है तो समझ गए अब तुम मेरा दोस्त हो गया, खलील हो गया, अब तुम मेरा आशिक नहीं है। ये सिलसिला चलते चलते आखिर नबी तक पहुंचा। आवाज खुदा बताइए कौन है जो उसे इश्क करेगा, कौन है जो उसे इश्क करेगा। आमना गला उठा हो गया, बल्ला की गाले आलम मैं इश्क करके दिखाऊंगा। अगर कौन उससे मोहब्बत करेगा, इश्क करेगा, तुम्हारा नाम क्या है। अल्लाह का नाम मोहम्मद है, पांच मजमुए से मोहम्मद बना पांच मजमुए से नीचे मैं मोहम्मद बना। जब लफ्ज मोहम्मद लिखिएगा जाहिरी तौर पे चार मोहम्मद सामने दिखाएंगे, एक मोहम्मद पर दिखाएंगे दरमियानी नीम है, उसमें दो नीम पोशीदा है, दो नीम उसमें पोशीदा है, एक नीम सामने दिखाई देती है, एक नीम पोशीदा है। अल्लाह ने कहा इसमें पांच मोहम्मद ने कहा पांच मजमुए से मिलकर मोहम्मद बना हूं, मैं इश्क करके दिखाऊंगा। अच्छा चलो इश्क करके दिखाओ, इसके मुनाजिर तय होने लगे। परवरदिगार आलम तुम मेरे नाना को छोड़ दे, तुम मेरे नाना को छोड़ दे, तुम मुझसे इश्क करके देखा। पूछा तुम कौन हो, कहा कि तू हसीन है और मैं हुसैन हूं। तू हसीन है और मैं हुसैन हूं, आखिर मुझे लेकर आया। तू हसीन है, मैं हुसैन हूं, औरों को छोड़, नाना को छोड़, बाबा को छोड़, फातिमा दादा को छोड़, भैया आजम को छोड़, मैं तुमसे इश्क करूंगा। ऐसा इश्क करूंगा कि तुम्हें खुद करना पड़ेगा बस हुसैन बस, तुझे खुद करना पड़ेगा। यह गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह ने कहा हुसैन तू हुसैन है तो मैं हसीन हूं। गुफ्तगू दोनों में होने लगे, इधर हुसैन इधर हसीन, दोनों सामने सामने हो गए। हसीन ने कहा देखो मेरे इश्क में तुम्हें मदीना छोड़ना होगा। कहा मेरे मोहब्बत में मदीना छोड़ूंगा, हुसैन में पता है जिन गलियों में तुम परवान चले हो उन गलियों को छोड़ना होगा, मैं सिरों को बाहर कर दूंगा। हुसैन तुम्हें पता है नाना का रोजा छोड़ना होगा, मैं छोड़ दूंगा। हुसैन तुझे पता है मां की लात छोड़नी होगी, कहा मैं हुसैन होकर वादा कर रहा हूं छोड़ दूंगा। भाई की नफरत छोड़नी होगी, कहा मैं भी छोड़ दूंगा। गुफ्तगू चल रही है, एक जगह लाने का हुसैन तुझे पता है ज़ैनब की चादर नहीं होगी, हुसैन खामोश हो पीछे से एक आवाज आई, पीछे से एक आवाज आई, बाबा खामोश हो गए, यहां से सज्जाद खड़ा होगा, मैं अल्लाह से इश्क करके दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूं। आपने मुलाओं के सामने पूरी जन्म को गजरा हो रही है बोला, मैं इश्क करके दिखाऊंगा। इश्क के मनाजिर तय होते होते झूला उठा लिया है, रबाब गुस्सा ले जाए, हुसैन के आगोश अलीस्तर है ना, अलीस्तर है, बोल नहीं सकते। जब ये अल्लाह और हुसैन गुफ्तगू हो रही है तो जबाने में जबानी से अलीस्तर ने बात कही, ए अल्लाह मैं हुसैन का बेटा हूं, रबाब का रिश्तेदार हूं, अली का पोता हूं, अब्बास का भतीजा हूं, अकबर का भाई हूं, सकीना का भाई हूं, मैं वादा करता हूं कि तेरे इश्क में तीर लगेगी तो रोम
जेरे इश्क में मेरे गले में तीर लग जाए, मैं हक होकर रोन कर मैं तो सवाल करता हूं अल्लाह को बता हुसैन मरदानी करवाने में इस पर बोली क्या है आगे इस पर बोली है सारे औलाद बैठे हुए घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर मोबाइल क्या मेरी मनुष्यों के अंदर उन्हें अपने बच्चों का खराब नहीं लगा एक ही बच्चे का सबको ख्याल है रवाब का होश उतर रहा है रवाब का होश उतर रहा है अल्लाह अकबर तारीख ने लिखा है कि सब आसूर इमाम खैमों का हवाला करते करते जब रवाब के खैमे में पहुंचे तो क्या देखा कि रवाब सर के बाद खोले हुए जमीन पर बैठी हुई है एक हाथ सर पे है और एक हाथ चूल्हे पे है झूला झूला दी जा रही है और एक ही गुना करती है हाय रे मेरे किस्मत हाय रे मेरे किस्मत हाय रे मेरे किस्मत इमाम ने आवाज सुनो के कहा रबाब रोने की वजह क्या है किस्मत को खुश हो रही हो पर जनाबे रबाब खड़ी हो गई एक जुमला करती है काश के मेरा ईश्वर बुलंद होता काश के मेरा बाल या पर बुलंद होता ए मौला हुसैन जैसे कल पर कुर्बानी देने के लिए मैदान में जाएंगे अगर मेरा ईश्वर बुलंद होता अगर बड़ा होता तो मैं इसे करबला में भेज देती अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने जुमला कहा रबाब घबरा नहीं कल अली असगर की कुर्बानी अकबर की कुर्बानी से बढ़ता है जजाकल्ला कुर्बानी अकबर की कुर्बानी से बढ़ जाएगी सुनवा सुनवादार हो गई इमाम जब सब शहीद हो गए तो मैदान में खड़े होके एक जुमला कहते हैं हाल मेरा है को जो मेरी मदद को आए जैसे ही इमाम ने जुमला कहा है फिजा ने अपने दोष में जुमले को लिया और अल्लाह जाने अली असगर ने कान तक कैसे पहुंचा मनुष्य समान हो रही है अली असगर ने कान तक कैसे पहुंचा अली असगर जो अपने झूले में झूल रहे थे जैसे इमाम के झूले सुने अली असगर ने झूले से गिरा दिया झूले से गिराना था बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया तमाम बीवियां चीखे मार के ठाड़े मार के रोने लगी इमाम हुसैन के कानों में आवाज गई इमाम हुसैन रबाब के खेमे पे आते हैं और आने के बाद आवाज देते हैं बच्चे सलामत तो है कोई बच्चा मरा तो नहीं है बस इतना सुनना था ज़ैनब दौड़ती हुई तले खैमा पे आती है और आगे कहती भैया अरे खैमे के अंदर चलो अजब मंजर हो गया है तुमने जैसे ही हल मिन्ना से यह सुनना की सदा बुलंद की अली असगर ने झूले से गिरा दिया अब इमाम हुसैन आगे बढ़े और पढ़ने के बाद अली असगर को अपने आगोश में लिया हुसैन खैमे से बाहर निकलना चाहते रबाब सामने आ सके खड़े हो रबाब सामने सामने खड़ी हो रबाब हाथों को जोड़ के कहती मौला मेरा बच्चा बड़ा प्यार तीन वसीयतें की है
पहली वसीयत ये है कि जब तीर लगे तो रोना नहीं। मेरी पहली वसीयत ये है कि जब तीर लगे तो रोना नहीं। अम्मा मैं रोऊंगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रोऊंगा। दूसरी वसीयत नबरवा करती है, अली असलम जब शहादत पाके दादी फातिमा के पास जाना और जब हम तुम सब पूछे कि अम्मा ने कपड़ा बदला है, सर में कंघी की है, आंखों में काजल लगाया है, मेरे लाल दोबारा मुंह क्यों नहीं धुला, तो बस दादी फातिमा से इतना कह देना अम्मा बड़ी मजबूर थी, मेरे पानी नहीं था कि अम्मा मेरा मुंह धुल के भेजी। बस आखिरी वसीयत सुनिए, पहली वसीयत जीले के जरूरना नहीं, दूसरी वसीयत शहादत पाके बाद दादा जी के फातिमा जरा।